आज कक्षा 6 पाठ्यपुस्तक वसंत में अध्याय सेकंड बचपन का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखिका कृष्णा सोहती हैं। और ये बचपन नामक रचना एक संस्मरण की रचना है। संस्मरण कहते हैं कि जिसमें अपने जीवन से संबंधित कोई ऐसी घटना हो जो बहुत पहले या अपने बचपन में कोई घटित हुई हो और लंबे समय तक हमें याद रहती हो, तो उसके संबंध में ये रचना है। और इस रचना में लेखिका बता रही है कि किस प्रकार से आज से पहले कैसा खान पान था, कैसी परंपरा थी, किस प्रकार के रीति रिवाज थे, मनोरंजन के साधन कैसे थे, किस प्रकार की लोगों की परंपरा वेशभूषाएँ थी, उन सब के बारे में, और आधुनिक तौर पर किस प्रकार से उनमें परिवर्तन आ गया, उन सब के बारे में इस रचना में बता रही। और इस रचना में लेखिका जीवन की जितनी भी घटनाओं का वर्णन कर रही वो अपने जीवन से रिलेटिव या अपने जीवन से केंद्रित हैं, उन्हीं को माध्यम बना करके वर्णन कर रही। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में लेखिका क्या कुछ अपने बचपन के दिनों के बारे में, पहनावे, खान पान, उन सब के बारे में बताती है। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़े हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी भुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। तो यहाँ पर वैसे देखें तो एक ही इनको जो सरन नेम दिया परिवार वालों ने वो तो जीजी दिया, और उम्र में ये किसी बच्चे के दादी की उम्र की या किसी के नानी की उम्र की है तो काफ़ी बड़ी है। और ये अपने बचपन के दिनों के बारे में इस रचना में वर्णन कर रही है। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में स्याना महसूस करने लगी हूँ। स्याना का मतलब समझदार, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। एक शताब्दी जो 100 वर्षों की होती है, तो पिछली शताब्दी में पैदा होने का मतलब जैसे किसी का जन्म 1999 में हुआ हो, 2001 में ही अगर वो अपने जन्म के बारे में बताएं तो यही कहेगा कि पिछली शताब्दी में उसका जन्म हुआ था। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए, समय के परिवर्तन के साथ साथ हर चीज़ में परिवर्तन आता है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहन रही हूँ, बचपन के बारे में बता रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, क्योंकि गहरे रंग ज़्यादा छोटे बच्चों को ही अधिक युवाओं में लगते हैं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में दस वर्ष का होता है, पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वोकर, फिर सेट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ती। तो ये इसमें वर्तमान में बता रहे हैं कि वो पिछले दशक में किस प्रकार के पहनावे पहनते थे। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब भी याद है, बचपन का मतलब जब ये छोटी थी, बचपन जिसमें मूल शब्द बच्चा होता है, तो बच्चों का ये बचपन। तो ये कह रहे हैं कि जब मैं छोटी थी उस समय कुछ ऐसे फ्रॉक जो मुझे आज भी याद है, उनमें हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर वाला, बाजू पर भी गोल कफ उन फ्रॉक की होती थी, वो इनको आज भी कई वर्षों बाद तक भी याद है। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुंटू वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रील, ये बचपन की। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर के जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। एक प्रकार से उस समय की पहनावे की और लड़कियों की रीति रिवाज से बनी हुई थी कि ऊपर के जेब में रुमाल और बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाती थी। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फैर टंकी थी। दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी, ये उनके बचपन की पोशाकें थी। मुझे अपने मोजे और स्कर्टिंग भी याद है, बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर और नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी, क्योंकि मोजे वो यदि ज़्यादा थोड़ी लापरवाही से धोएं तो उनके रिबन वगैरह ढीले होने की ज़्यादा संभावना हो जाती है, तो इस कारण वो खुद अपने हाथ से धोते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह, इतवार मतलब रविवार संडे, सुबह इसी में लगाते थे अपने मोजे वगैरह जुराब उनको साफ करने, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। तो इस प्रकार रविवार का दिन ये अपने खुद के मोजे जूते उनको साफ करने में ही लगा देते थे। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, सर मतलब प्राय अक्सर, ये कह सकते हैं एक प्रकार से इनकी रुचि या शौक बन गया था।
हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, ऐसे जूते आ चुके हैं कि जिनके पॉलिश करने की आवश्यकता नहीं, ज़्यादा उनको धोने की भी आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा गीला कपड़ा गया, कपड़ा उसके ऊपर रगड़ा और वो साफ हो गए। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह आज वाले जूते, वजन में भी हल्के, पहनने में भी पैर को काफ़ी आराम देते हैं। हमें जब नए जूते मिलते हैं उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता है, क्योंकि उस समय जूते हैं चमड़े के इत्यादि के बने होते, और वो जब नया नया पहनते, जब तक वो थोड़े बहुत पैर के अनुकूल ढलते नहीं थे, तब तक वो अपने पैर में जगह जगह छाले डाल देते थे। इस कारण ये कह रही है कि नए जूते मिलते और छालों का इलाज हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, 5-7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता, अपने पास रुई जरूर रखते, क्यों, ताकि कहीं से यदि छाले पड़ जाएं पैर में जूते के कारण तो वहाँ पर रुई लगा, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। यहाँ जूते लगने का मतलब है कि जूते से यदि कहीं छाले पड़ जाते तो जहाँ छाला पड़ जाता वहाँ पर रुई लगा लेते। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत ही फर्क हो चुका है, क्योंकि आज इस प्रकार के जूते नहीं, चाहे कैसा भी जूता ले लें, नया खरीदें, पैर में कहीं छाला नहीं होता है। हर शनिचर शनिवार को, सैटरडे को, हमें ओलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। ये एक मुश्किल काम था, शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली आने लगती। मितली का मतलब है जी मचलाने लगता या उल्टी सी होने लग जाती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम वो तेल न पीते तो शनिवारी दवा तो मुझे आज भी उनको याद है, और वो यदि उस समय जो तो उनको तेल दिया जाता वो नहीं पीते तो उनके दवा कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। लेकिन फिर भी घर वालों के प्रेशर के कारण उनको हर शनिवार को ये ऑयल, जो ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल था, ये पीना ही पड़ता। माना जाता था कि इससे शरीर के पेट के बहुत से कीटाणु हैं वो नष्ट होते हैं। आगे लिखकर करें कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ दूरी हो चुकने का मतलब है कितना परिवर्तन बदलाव आ चुका है, चाहे वो खान पान हो, पहनावा हो, मनोरंजन के साधन हो, यातायात के साधन हो, सभी में परिवर्तन आ चुका है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल चुकी हैं, मतलब छोटे बच्चों की जो रुचि शौक होते हैं, जो पहले छोटे बच्चों के शौक थे वो आज वालों के नहीं है। जैसे पहले छोटे बच्चे खेलते तो उनके खेल के साधन भी अलग थे, आज वालों के वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविज़न ये नहीं थे, तो ग्रामोफोन से उनका मनोरंजन होता था। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी और समोसा पेटीज में बदल गया है, शहतूत और फाल से और खसखस के शरबत कोक पेप्सी जो कोल्ड ड्रिंक है उनमें बदल चुके हैं। तो खान पान में देखें तो पूरी तरह से पहले वाला और आज वाला बदल चुका है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेट, विमटो इत्यादि मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेवी को रेस्तरों की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर उस मॉल से ज़्यादा दूर तो नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाती, वहाँ से एक उतराई का मतलब ढलान, उतरते और मॉल पर पहुँच जाते। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी होती, तो ये वहाँ से जा करके ये अपनी चॉकलेट इत्यादि खरीद लेते थे। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, यानी कि रोज़ाना उनको पैसे देते, रोज़ाना चॉकलेट लाते, क्योंकि उस समय लोगों की अर्थव्यवस्था भी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी, तो हफ्ते में केवल एक बार चॉकलेट खरीदने के लिए पैसे मिलते। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता, हो सकता है कि इसमें संग्रहण करने की आदत थी, तो ये जो भी चॉकलेट लाते वो खाती नहीं, उनमें भी बचा कर रख लेती। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, घर लौट कर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले लेकर खाती, कहीं कि धीरे धीरे उनको चूस कर खाती रहती थी।